We're now taking a look at the heat wave that is sweeping across North India. The Indian Meteorological Department has now issued a red alert warning for multiple states in North India due to the heat wave conditions and soaring temperatures. Viewers, it is expected that the maximum temperatures in the states will hit 48 degrees in the upcoming week in view of the weather forecast. What is interesting amid all of this is that mercury has soared to 31.6 degrees Celsius in Srinagar, marking the season's hottest day and the third highest temperature recorded in Jammu and Kashmir during the month of May. And the meteorological department officials have told that this is about 6.8 degrees Celsius above normal for the season in Srinagar. Meanwhile, my colleague Ashik Mir has spoken to several people on the ground in Srinagar to gauge how they feel at this moment. Let's take a look at this conversation. हमारे साथ महाराष्ट्र से आए कुछ सैलानी इस वक्त मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ट्रिप रहा कश्मीर आके। आप मुझे बताइए कैसा रहा कश्मीर आपका ट्रिप, क्या पहली बार आए हैं, इससे पहले कभी आए हैं क्या? ये हमारा तीसरी बार है जी। पहली बार हम जब बचपन में थे छोटे तब, सेकंड टाइम हम लोग अभी 6 साल पहले आए थे अमरनाथ यात्रा के टाइम, और अभी तीसरी बार फैमिली के साथ आए हैं और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। और हमको यहाँ पे मौसम का जो मज़ा आ रहा है, एक ही दिन में तीन तीन मौसम देख रहे हैं। सुबह एकदम धूप रहती है तेज, दोपहर में बारिश चालू होती है, शाम को एकदम खुशनुमा मौसम ठंडी रहती है और हवा हमेशा ठंडी है। बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, देश में जिस हिसाब से गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आप सारी फैमिली जो है महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र में गर्मी का क्या हाल है और कश्मीर में आके कैसा लगा रहा है मैम? महाराष्ट्र में तो गर्मी तो काफ़ी है और यहाँ पे आके बहुत सुकून मिल रहा है ठंडी की वजह से। तो देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल कश्मीर के हवाले से, क्योंकि कश्मीर जो है टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी मशहूर है देश भर में, क्या कहेंगे, कितने हालात बदले लग रहे हैं आज कश्मीर के? मैं तो कहूँगी सबने एक बार कश्मीर का टूर करना ही चाहिए। कश्मीर का इससे पहले कभी आप आए? नहीं, ये पहली बार आ रही हूँ। एक और से बात करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो सैलानी है घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये वादियाँ जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो खूबसूरती आपको कश्मीर में देखने को मिलेगी। आप मुझे बताइए कैसा रहा कश्मीर का एक्सपीरियंस, इससे पहले कभी आए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ हाँ हाँ। तो कहाँ कहाँ घूमे? श्रीनगर अभी अभी पहलगाम घूम रहा हूँ, वो चंदनवाड़ी घूम गया हूँ, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया बढ़िया। तो देशवासी आपको देख रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र हो या यूपी हो या जितने भी स्टेट्स हमारी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है बढ़ गई है, तो यहाँ पर कैसा मौसम लग रहा है आपको? यार ठंडा, बहुत बहुत ठंडा है। अच्छा ठंडा, बहुत ठंडा है। ठंडा है, बहुत ठंडा। तो एंजॉय कर रहे हैं आप? बिल्कुल। बच्चों के साथ? बिल्कुल। फैमिली के साथ? यस 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 यस। आपसे बच्चा बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा कश्मीर का मौसम? एकदम ठंडी है और महाराष्ट्र से बहुत ठंडा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा, हाँ। तो अभी आप वापस जा रहे हैं तो मिस करेंगे कश्मीर को? हाँ बिल्कुल। और आना चाहेंगे? हाँ। कब आएंगे? अभी 2-4 साल बाद फिर से। अच्छा, फिर से आएंगे। मैं बड़ा होऊंगा तब आऊंगा, नहीं तो। अच्छा, आप बड़े हो जाएंगे तो जरूर आइए। कुछ और टूरिस्ट से बात करने की कोशिश, ये सारी आप ही की फैमिली है पूरी? तो जी सर, सब लोग हम लोग साथ। कश्मीर का ट्रिप बताइए। इसके पहले भी हम लोग एक बार आ चुके हैं अमरनाथ यात्रा के वक्त। अच्छा, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, हम लोग जो डिग्री में से आते हैं वो 45 डिग्री रहता है। यू जस्ट इमेजिन कि हम लोग कौन से एरिया में से कौन से एरिया में आ गए। अभी हम लोगों को पता चला कि इसको जन्नत क्यों कहा जाता है। बिल्कुल, लोगों ने बाकी जगह तो जाना ही चाहिए, आउटसाइड इंडिया से ज़्यादा इंडिया में इतनी ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कश्मीर एक्सप्लोर करने के लिए 1 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन काफ़ी नहीं है। इसमें के बहुत सारे जो प्लेसेस है जो रिमोट हिडन है, वो चीज़ भी एक्सप्लोर करना चाहिए। लोगों को सिर्फ सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, बेताब वाली यही मालूम है, उससे बाकी भी हिडन जो ट्रेजर है यहाँ पे वो भी देखना चाहिए लोगों को। आप आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हालात किस तरह आप देख रहे हैं कश्मीर में, क्योंकि 2019 से पहले कुछ हालात ठीक नहीं थे, आपने भी सुना होगा, और आज कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं हालातों को देख कर? इसके पहले भी हम लोग आए थे तो हालात एकदम अच्छे थे, हम लोगों को जो कोऑपरेशन यहाँ पर मिला था लोगों से, इवन मैंने यहाँ पे देखा है जो ट्रैफिक का सेंस जो हमारी सिटी में मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में नहीं होता है, यहाँ पे ट्रैफिक का सेंस लोगों को बहुत ज़्यादा है, एक मेक को रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है,
और कोई चीज नहीं है यहाँ पे, आवाम भी बहुत एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। All right, there of course, viewers, you've heard tourists in Srinagar speak about their visits, how they see the change in Srinagar as far as the temperature is concerned. Meanwhile, joining us on the broadcast this morning is Dr. Ishwar Gilada, who's a health expert. Sir, good morning and thank you for speaking to us on NewsX. Now, the IMD has predicted that maximum temperatures are likely to soar to about 48 degrees Celsius in the upcoming days. There are certain health issues such as dehydration, nausea, as well as people feeling feverish that have started to crop up due to this. What precautions do you think people can start taking? Does it include carrying ORS packets with them? What else can be done by people to combat this heat wave like condition? Thank you, Pia. Indeed, India and lot of other places in the world, they are going through very difficult time, and they are the results of ecological imbalance, global warming, and we are going to face more and more every year. So I think we should have a long term and short term both the planning. Currently, what we can tell people that wear white color cloth or light color cloth. If they are dark color cloth, then your cloth will absorb heat and that will be going inside your body. Your skin is your protective organ. And that skin should be always hydrated. So wear loose clothes and light color clothes. Secondly, carry your own water. Because when we say people, you drink water, and if water is not available, that water may be unhealthy to take personally. So carry your own water. Walk through shade or carry your umbrella. Umbrella should be also light colored rather than a black color. And the earliest sign of heat wave is cramp. As soon as you get cramp, take a ORS and sit down somewhere. Don't faint, because the heat wave can cause heat stroke, it can cause heart attack, it can cause many other problems, because heart is a governing organ of your body and that is being coordinated with lot of other mechanisms. So if heart is affected, then lot of other organs will be affected. So, and the employers should also see that they give a scattered timing to their employees so that they can come in a time when it is not very hot. Avoid scorching it between 10:30 or 11 o'clock till 4 o'clock, and see that you are as far as possible at home. It's very easy to say, but those who are daily wage earners, they who have to commit for job, for them it is very difficult. So I think we are going through a difficult time, and I don't know how many days it will last, but IMD says it will be another 3 days or so, but we are going through a difficult time. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.